मंच पर मौजूद सारी सरदारी और मौजूद सारे हजरात, आप सभी का इस ऐतिहासिक रैली में हिस्सा बनने पर मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, मैं शुरुआत करना चाहता हूँ सन 2014 के चुनाव से। आप लोगों ने चौधरी रईस खान को चाहा, बाईसी ने पूरी मेहनत चौधरी रईस खान के लिए की और उन्हें विधानसभा पहुंचाने में एक ये अहम योगदान बाईसी ने अपना निभाया। और आज विधायक जी ने मान सम्मान बाईसी का पूरे 5 साल रखा, लड़ाई आपके लिए लड़ी, संघर्ष आपके लिए किया। वही कारण है जो आज 2014 से भी ज्यादा जज्बात बाईसी के अंदर विधायक रईस खान के लिए पैदा हो चुका है। मगर मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, जिन लोगों को 50 साल तक आंखें बंद करके बिना किसी लोभ लालच के आपने मेहनत की, उनके लिए लड़ाई लड़ी, 50 साल तक आपके बलबूते पर उन्होंने राज किया, मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, उन्होंने आप लोगों के लिए क्या किया जिन लोगों के लिए 50 साल आप बीच कर चलते रहे। मैं बताता हूँ उन्होंने आप लोगों के लिए क्या किया। आपकी 50 साल की कुर्बानी का सिला, आपकी 50 साल की मेहनत का फल, आपके चौधरियों को धमकी देकर, आप लोगों को डरा धमका कर डराने की राजनीति करना वो लोग चाहते हैं, ये सिलसिला और ये सिला आपको डराने का, आपको धमकाने का, ये 50 साल की कुर्बानी का आपको सिला मिला है। तो मैं भाइयों आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, एक बार फिर से लोगों को दिखा दीजिए, कोई भी नेता आवाम के पीछे होता है, किसी भी नेता को जमीन से आसमान तक पहुंचाने वाली ये आवाम है, और आसमान से नीचे अगर आवाम चाहे तो किसी भी नेता को ला सकती है। तो मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ आप सभी भाइयों से कि आने वाले वक्त में जो लोग डराने धमकाने की राजनीति कर रहे हैं, जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ आप लोगों से एक बार फिर से बल्ले का बटन दबाना है और उन लोगों को सबक सिखाना है। समझ में नहीं आ रहा कितनी ऊंची मानसिकता आज के नेताओं की हो गई है। कोई धमकी दे रहा है घर से निकलने नहीं देंगे, कोई धमकी दे रहा है घर से उठा के ले आएंगे। तो मैं उन भाइयों से, उन हजरात से कहना चाहता हूँ जो हजरात हमारे धमकी दे रहे हैं, झगड़ा हमें पसंद नहीं है, अमन पसंद आदमी है, इसका मतलब ये नहीं हम बुजदिल हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ उन लोगों से, 21 तारीख के बाद जगह और वक्त आप मुकर्रर करना, इंशाल्लाह जो आजमाने और कुछ गुंडी गुंडा भी ना हो, कुछ गुंडी विधानसभा में और घूम रही है जो गरीब आदमियों को डराने की, धमकाने की, वोट छीनने की जो कोशिश कर रहा है। तो मैं अपने भाइयों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, हम लोग सारी आवाम आपके साथ है, विधानसभा 60% आपके साथ है, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। और उन गुंडियों से, क्योंकि वक्त कम है, आखिर में उस गुंडियों से मैं ये कहना चाहता हूँ, ने जो हमने भुजों में पटक दी है, अरे मैं खेल लगा लूँगा।